Hello everyone, this is Shobhit Jaiswal from Global Medical Foundation Delhi and welcome to this video on MBBS in Kazakhstan. FMGE or Foreign Medical Graduate Examination or MCI Screening Test Passing Percentage for 2019. So, Kazakhstan is a very popular country. If you search for a 5-year course for MBBS abroad, then Kazakhstan is one of the best or top countries for studying MBBS for an Indian student. Now, ये चीज़ हमें और जाननी ज़रूरी है कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स पिछले सालों में पढ़ के आए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, उन्होंने यहाँ आने के बाद कैसा परफॉर्म किया है. बट ये चीज़ देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो 2019 का एफएमजी पासिंग परसेंटेज है एज रिपोर्टेड बाय द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी डला हुआ है. तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ कर देती हैं, तो इस वीडियो के थ्रू मैं वो कन्फ्यूजन्स को भी दूर करूँगा, नंबर वन. एंड नंबर टू, हम ये भी जानेंगे फाइनली कि फिर पर यूनिवर्सिटी एफएमजी पासिंग परसेंटेज क्या रहा है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2019 का जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज है फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन कजाकिस्तान वो क्या रहा है. तो आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि यहाँ 6 यूनिवर्सिटीज़ का नाम है और उनके आगे 3 कॉलम्स हैं. एक है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू अपीयर, देन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास, एंड देन है एफएमजी पासिंग परसेंटेज. तो ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं. पहला लिखा है जेएससी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, दूसरा कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी, थर्ड है कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फोर्थ कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग एमबीबीएस इन कजाकिस्तान, फिर है कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड देन है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सिमई. वैसे इसका जो यूजुअल नेम जैसे इंडिया में बोला जाता है वो सिमई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बोला जाता है. बट ये जो 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं एक्चुअल में ये 4 ही हैं, बट इसमें कुछ डुप्लीकेसी है और डुप्लीकेसी को हम अब समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम आपको एक्चुअल एफएमजी पासिंग परसेंटेज जाएंगे. ये जो आप देख रहे हो ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने जैसा अपना रिजल्ट पोस्ट किया था अपनी वेबसाइट में, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आपके सामने है, उसी का एक स्क्रीनशॉट है. बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डुप्लीकेट हो रखी हैं और अगर कोई फर्स्ट टाइम इंडियन स्टूडेंट इसे देखेगा तो उसे लगेगा कि कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी का 18% है और कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कोई और है जिसका 84% पासिंग है. बट ऐसा नहीं है. अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि एक्चुअल में इन्होंने इसके नाम कैसे पुट किए हैं और क्या क्या डुप्लीकेसी है इसमें. तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल स्कूल्स में एक बार जाएँ या फिर आप यही वीडियो जैसे देख रहे हैं तो उसी के थ्रू आपको वैसे समझ में आ जाएगा. इसका जो URL है वो www.omsorg है. जब आप ये वेबसाइट एक्सेस करोगे तो आपको ऐसी एक स्क्रीन मिलेगी, इसमें आप कजाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लो जैसे इस वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है हमने. उसके बाद आप नीचे सर्च ऑप्शन में क्लिक करो. अब कजाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड डायरेक्टर मेडिकल स्कूल्स में आती हैं उन सब के नाम आ जाएंगे. टोटल 14 है, वो 14 यूनिवर्सिटीज़ आपकी स्क्रीन में, लेकिन आप देखोगे इसमें कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का कोई नाम नहीं है. बट ऐसा नहीं है कि कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड डायरेक्टर मेडिकल स्कूल में नहीं आती, बट एक्चुअल क्या है कि कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो किसी और नेम के अंडर इसमें डाल रखा है. तो एक यूनिवर्सिटी जो हमारी लिस्ट में थी सबसे पहले जीएससी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका नाम है, हम उसके नाम पर क्लिक करेंगे. जब आप इसके नाम पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है. इसमें आप ऑल्टरनेट नेम्स में जाके देखोगे तो इसके ऑल्टरनेट नेम में सेकंड में कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है. तो एक्चुअल में जो एनबीई ने रिजल्ट पोस्ट किया है उन्होंने वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल स्कूल्स के रेफरेंस से पोस्ट किया है. इसमें यह है कि अगर पिछले कुछ सालों में इसका नाम चेंज हुआ है तो वो फिर करंट नेम के हिसाब से एक अलग जगह डाल रखा है एनबीई ने रिजल्ट, और फिर एक जगह डाल रखा है ओल्ड नेम के हिसाब से जो कि जैसे कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी था. तो एक्चुअल में आप समझ गए होंगे कि जेएससी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी दोनों एक ही हैं, बट क्योंकि ये 2018 में रिसेंटली नेम चेंज हुआ तो उन्होंने दो अलग अलग करके इसका नाम लिख दिया है. अब हम फिर से अगर रिजल्ट देखें तो अब आप समझ जाओगे कि जो जेएससी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है और जो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ये दोनों सेम है. अब एंड में इस वीडियो के मैं इन दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास और फिर उसका क्या एफएमजी पासिंग परसेंटेज बनता है वो आपको शो करूँगा. अब हम दूसरी चीज़ के बारे में देखते हैं जो है कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी. अब ये दोनों में भी डुप्लीकेसी है. अब हम फिर से WDOMS में जाके कजाकिस्तान सेलेक्ट करके सर्च करते हैं, फिर से हम इसी लिस्ट पे आते हैं. तो अब आप इसमें देखोगे कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कहीं मेंशन नहीं, बट कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे दे रखा था. जब हम इसमें जाएंगे तो अगेन आप ऑल्टरनेट नेम्स में देखोगे तो सबसे पहले ही ऑल्टरनेट है कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. तो आप अब फिर समझ गए हो कि कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी और कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अगेन सेम है, बट इसको दो अलग अलग करके लिख दिया है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के रिजल्ट में. बट जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे 2019 में एक्चुअल में क्या रिजल्ट था कारागंदा स्टेट या कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी से, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. अब आप फिर से देखोगे तो आप समझ गए हो कि जेएससी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट में है, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो फोर्थ में लिखा है, ये दोनों सेम है, और जो सेकंड एंड थर्ड है कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी
एंड कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये दोनों भी सेम है। कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग है और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से में ये अलग है। तो अब हम जब इसको ओवरऑल ऐड कर लेंगे और इसे करेक्टली पोस्ट करते हैं तो ये एफएमजी पासिंग परसेंटेज एक्चुअल में आता है। कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसा भी आप इसको बोलो, इसका 607 स्टूडेंट्स अपीयर हुआ है, 157 पास किया है और 25.86% पासिंग रहा है। जेएससी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को आप ऐड करोगे, डेटा आपके सामने, 25.89% स्टूडेंट्स ने किया है। और सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसा पॉपुलरली इस यूनिवर्सिटी को इंडिया में जाना जाता है उसको आप देखोगे तो 27.61% है। कजाक रशियन का 0% था, 32 में से 0 भी, यहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। तो ये एक्चुअल में जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज है ये डेटा है जो अभी आपने एनबी के रिजल्ट में देखा था वो ठीक था, उसी के डेटा को हमने ऐड किया बस यहाँ पे, बट उसमें अलग अलग नाम लिखे थे। मुझे पिछले साल भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के कॉल आए थे जो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी पूछते थे, यहाँ पे है ही नहीं कोई स्टूडेंट, जबकि 2015-18 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बैठे थे। उन्हें लगता था कारागंदा जो यूनिवर्सिटी है उसमें दो जगह लिखा है, एक में 85% पासिंग है अप्रॉक्सीमेटली, तो यही यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली में, इसको आपको टोटल करके देखना होगा। तो देखो ये एक्चुअल रिजल्ट है, यही आपको लेके चलना है। और अगर आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो फॉर MBBS इन कजाकिस्तान तो आप ये डेटा को रेफ़र करो ताकि आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। इसमें भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है और सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। 2019 तक में इन्हीं यूनिवर्सिटी से इंडियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए थे, तभी सिर्फ इनका नाम है, बाकी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं, अस्ताना, अलफराबी, यहाँ पे अभी तक इंडियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट 2019 तक एटलीस्ट नहीं हुए थे। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको जो मैंने दी है इस वीडियो में वो काफ़ी हेल्प करेगी आगे भी चीज़ें समझने के लिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या फिर अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ों का आंसर करता हूं। और अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 9999404348, और इसके थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।